रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें यूक्रेन के जिन इलाकों को रूसी सेना छोड़ चुकी है वहां पर यूक्रेन के सैनिक लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेन की सेना एक रूसी टैंक को खींचकर ले जाते हुए नजर आए। तो युद्ध में रूस का ये टैंक पूरी तरह तबाह हो चुका था जिसके बाद इस टैंक को खींचकर ले जाया गया और इस दौरान टैंक से चिंगारी भी निकलती हुई दिखी। मारियोपोल को लेकर बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। मारियोपोल की एक सैटेलाइट तस्वीर यहां पर सामने आई है और दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल में रूस ने सेना का एक बेस कैंप बना लिया है। जिनमें एक तस्वीर में यू आकार की इमारत दिखाई दी जिसके छत पर रूसी सेना का निशान बना नजर आया। यही नहीं, उसके बगल में ही रूस का झंडा छपा हुआ दिखा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में जो इमारत दिखी वो रूसी सेना का आर्मी बेस है। दावा है कि पुतिन की फौज मारियोपोल शहर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही अपने सैन्य अड्डे बना रही है। बताया जा रहा है कि रूस की सेना इन ठिकानों पर अपने गोला बारूद और हथियार रख रही है। खबर है कि पुतिन की फौज खेरसान से पीछे हटने के बाद अब अपने बड़े हमले की तैयारी में है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसलिए रूस मारियोपोल में लगातार अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है। मारियोपोल वही शहर है जहां पर रूसी सेना ने जोरदार हमले किए थे। यूक्रेन के इन हमलों में हजारों लोगों की मौत होने का दावा किया गया था। यूक्रेन युद्ध को 9 महीने हो चुके हैं। हर रोज यूक्रेन में हजारों बम गिराए जा रहे हैं। अब रूस में हथियारों के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूसी सेना तोपों से हर दिन 20,000 गोले दाग रही है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर भले ही रूस की सेना जोरदार हमले कर रही है लेकिन वो जेलेंस्की की फौज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। दावा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस की सेना में अब मिसाइलों की कमी हो गई है। खबर है कि इसलिए रूसी जवान अब हमले नहीं कर पा रहे हैं जो यूक्रेन को तगड़ी चोट पहुंचा सके। जाहिर है कि हथियार के संकट से जूझ रहे रूस के लिए आने वाले दिन मुश्किलों से भरे हो सकते हैं। तो सर्द मौसम का असर मैदान में डटे रूस और यूक्रेन पर भी अब साफ साफ पड़ने लगा है और पश्चिमी मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि ठंड के बढ़ने के बाद युद्ध में घातक हथियारों का असर कम दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में रूस के आत्मघाती ड्रोन और यूक्रेन के एंटी ड्रोन मिसाइल ठंड के चलते कम घातक साबित होंगे, ये भी सुनने में आता है। क्या सर्दी में युद्ध रुक जाएगा? क्या सर्दी में हथियार नहीं चलेंगे? क्या सर्दी में ड्रोन डर नहीं फैलाएंगे? क्या सर्दी में हिमार्स कमजोर पड़ जाएगा? रूह कपा देने वाली सर्दी, रूस यूक्रेन में जारी बारूदी कहर के बीच अल्पविराम का काम करेगी। ये दावा है पश्चिमी मीडिया का। रिपोर्ट की माने तो कड़ाके की ठंड के बीच रूस और यूक्रेन के किलर वेपन का कहर कम देखने को मिलेगा। रूस के आत्मघाती ड्रोन और यूक्रेन के हिमार्स सर्दी के मौसम में उतने घातक साबित नहीं होंगे। रूस ने पिछले 9 महीने में यूक्रेन की जमीन को अपनी मिसाइल, ड्रोन और टैंक से खोखला कर दिया। यूक्रेन का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां रूस के बारूद ने घर न बनाया हो।
लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है दोनों देशों की तरफ से हमले भी कम होने लगे हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट की माने तो रूस ने पिछले 2 से 3 हफ्तों में पहले की बनिस्पत कम हमले किए हैं। ईरानी ड्रोन का भी रूस ने इन 3 हफ्तों में कम इस्तेमाल किया है। दावा है कि रूस ने अपने शाहिद 136 के इस्तेमाल पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इस हमले को कम करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि दिसंबर से मार्च के बीच रूस में कड़ाके की ठंड पड़ती है। ड्रोन को प्लास्टिक से तैयार किया जाता है जो सर्द मौसम में काफी सख्त हो जाते हैं और अपना दम दिखाने में उतने कारगर साबित नहीं होते। वहीं यूक्रेन का कहना है कि रूस के पास शाहिद 136 ड्रोन का स्टॉक बेहद कम बचा है। 9 महीने में 50% से ज्यादा ड्रोन का रूस ने इस्तेमाल किया है। ऐसे में रूस ईरान से ज्यादा ड्रोन की मांग कर सकता है। यूक्रेन युद्ध में जहां नेटो देशों की मदद से लगातार यूक्रेन कई हमले कर रहा है, वहीं रूस को भी भारी नुकसान हो रहा है और रूस नुकसान के बीच यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और इसमें रूस के साथ उसका साफ कौन निभा रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। साथ ही ईरान मजबूती से युद्ध के मैदान में डटा हुआ जो लगातार रूस की सेना को ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। जाहिर है महायुद्ध में ईरान के ड्रोन ने रूस को कई मोर्चों पर मजबूत किया है, अपनी ताकत का लोहा मनवाया और दुश्मन के कई टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। क्योंकि शाहिद ड्रोन कैमरों से लैस है, साइज में छोटे हैं और बारूदी बवंडर उठाने के लिए काफी हैं। शाहिद 136 2000 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को मार कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और एंटी एयरक्राफ्ट गन को चकमा दे सकता है। शाहिद 136 का वजन 200 किलोग्राम है। शाहिद 136 का टारगेट लॉक होने के बाद रुकना नामुमकिन है। शाहिद 136 ड्रोन कई घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। युद्ध धीमा करने की खबर सिर्फ रूस से नहीं, दावा है कि ठंड ने यूक्रेन के हिमार्स को भी शांत कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन को भी सर्दियों के मौसम में अपने हिमार्स को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध में सर्द मौसम का असर हिमार्स की ताकत पर भी पड़ेगा। बर्फबारी और कीचड़ के बीच में इसे लगाना मुश्किल होगा। यानी रूस अगर ड्रोन से कम डर फैलाएगा तो हिमार्स का इस्तेमाल भी यूक्रेन कम ही कर पाएगा। ऐसे में सर्दी को जंग के नजरिए से कई रक्षा विशेषज्ञ बेहतर मान रहे हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, वहीं चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में नई तस्वीर वहां से सामने आ रही है जहां पर एक गैस पाइपलाइन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मूर्ति बनाई गई और बताया गया कि इस मूर्ति की नीलामी से मिली रकम से यूक्रेन के सैनिकों को मदद भेजी जाएगी। पहले इस तस्वीर को देखिए, इसमें गैस पाइपलाइन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मूर्ति बनाई गई है और उन्हें इस गैस पाइपलाइन को ब्लॉक करते हुए दिखाया गया है। ये मूर्ति युद्ध को यूक्रेन की मदद कर रहे देश चेक रिपब्लिक से सामने आई है। यहाँ इस मूर्ति को प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है और इसकी नीलामी से मिलने वाली रकम को मदद के लिए यूक्रेन भेजा जाएगा। इससे पहले चेक रिपब्लिक युद्ध के लिए यूक्रेन को कई हथियार मुहैया करा चुका है। तो महायुद्ध के बीच यूक्रेन अब रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर को निशाना बना रहा है और पश्चिमी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के एयरबेस में तैनात 2 न्यूक्लियर बॉम्बर पर ड्रोन से हमला कर तबाही मचाने की कोशिश की। हमले में 3 लोगों के मारे जाने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है।
घर में घुसकर तबाही मचाना किसे कहते हैं। ये यूक्रेन की सेना ने कल रूस की सेना को बताया। जब रात के अंधेरे में यूक्रेन के घातक ड्रोन रूस के युद्ध क्षेत्र में घुसे और तबाही मचाकर पुतिन के माथे पर शिकन ला दी, तबाही भी ऐसी कि रूस के परमाणु हथियार ले जाने वाले दो घातक जंगी जहाजों को इस बार निशाना बना लिया। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के दो एयरबेस पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। एयरबेस पर हुए हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं न्यूक्लियर बॉम्बर को भी नुकसान पहुंचाया है। महायुद्ध में जेलेंस्की के हौसले नेटो की मदद से मजबूत होते जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जिन एयरबेस पर यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया वहां लंबी रेंज के न्यूक्लियर बॉम्बर काफी वक्त से तैनात थे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट की माने ड्रोन का पहला अटैक रूस के रिजेन इलाके के एयरबेस पर हुआ, जहाँ एक फ्यूल टैंक में धमाका हुआ और कुछ पल का सन्नाटा छा गया, तो दूसरा ड्रोन अटैक रूस के सरातो इलाके में बने एयरबेस पर हुआ, जहां पहले से 2 न्यूक्लियर बॉम्बर TU-95 और TU-60 तैनात थे। दावा किया जा रहा है कि सरातो में एक ड्रोन रनवे पर ही ब्लास्ट हो गया। हमला इतना घातक था कि आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया, तेज रोशनी से लोगों की आंखें मूंद गई। लेकिन इस अटैक को लेकर फिलहाल रूस की तरफ से जानकारी नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। तो ज़ेलेंस्की की रणनीति रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की है, ताकि पुतिन जंग से पीछे हट जाए, और इसीलिए यूक्रेन की सेना लगातार रूस के न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाने की कोशिश में जुटी। दावा किया जा रहा है कि हमले से जेलेंस्की के जाबाजों का मकसद रूस के न्यूक्लियर शक्ति को नुकसान पहुंचाना था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। रूस के दोनों ही एयरबेस की अगर बात करें, रीजन और सारातो, दोनों ही एयरबेस की यूक्रेन बॉर्डर से दूरी करीब 700 किलोमीटर है। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो ड्रोन अटैक में TU-95 और TU-60 न्यूक्लियर बॉम्बर का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है। रूस के ये दोनों ही बॉम्बर पुतिन की शक्ति कहे जाते हैं। TU-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर क्रूज मिसाइलें और परमाणु बमों से हमला कर सकता है। नाटो ने रूसी बॉम्बर को बियर नाम दिया है। बॉम्बर की जोरदार आवाज की वजह से इसका नाम बियर पड़ा है। TU-95 न्यूक्लियर वेपन से हमला करने में सक्षम है। 12,500 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु हमला करने का इसमें दम है। महायुद्ध में रूस के दशकों पुराने बॉम्बर को नई जिम्मेदारी मिली है। इन जहाजों में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है उतना ही खौफ इसके उड़ने के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से बहुत साफ सुनाई देती है। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर है, जिनके दम पर वो दुनिया में अपना दबदबा कायम किए हुए है। सीकर में हुए गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। पुलिस का दावा है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ही राजू ठेहट की हत्या करवाई थी, और वही रोहित गोदारा ने मनीष जाट के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। साथ ही रोहित पर शूटर्स को हथियार मुहैया कराने का भी आरोप लग रहा है। गैंगस्टर राहू ठेहट हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है। हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ही राजू ठेहट की हत्या करवाई थी।
पुलिस का ये भी दावा है कि रोहित गुदारा शूटर मनीष जाट के संपर्क